इस वक्त मैं खड़ा हूँ खिदिरपुर न्यू फ्लाईओवर के सामने, और जैसा आप मेरे ठीक पीछे जो ये रास्ता देख सकते हैं, खिदिरपुर फ्लाईओवर जो है आगे जाकर के गार्डन रिच और खिदिरपुर की तरफ जो है इस रास्ते को कनेक्ट करता है। रविवार के दिन होने के कारण जो है आज इस रास्ते के ऊपर में सिर्फ बसों को इस फ्लाईओवर के ऊपर के जो है सेवा दी गई है। वहीं जो छोटे प्राइवेट गाड़ियां हैं और जितने भी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स वगैरह के जितने भी यात्री हैं उनको इन बहला वाले रास्ता से जो है आगे की तरफ में छोड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो ये है, मंगलवार 4 सितंबर के दिन माजरहाट ब्रिज की जो दुर्घटना हुई है उसके बाद से राज्य सरकार अब किसी भी फ्लाईओवर के ऊपर में रिस्क नहीं लेना चाहती है। शनिवार के दिन राज्य सचिवालय नवान्न में पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने महानगर के 4 ब्रिजों के ऊपर में जो है जितने भी मालवाहक वाहन थे उनको आवागमन की जो है अगले आदेश तक की अनुमति के लिए वहां पर बंद कर दी गई है। ऐसे में ये रास्ता जो कि आगे जाकर के पोर्ट की तरफ में खुलता है जहां पर सबसे ज़्यादा भारी मालवाहक वाहन पाए जाते हैं, वहां की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। ऐसे में क्या कुछ निर्णय लेती है राज्य सरकार इन मालवाहक वाहनों को लेकर के, इस जगह का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस घटना को आगे हम पूरी तरह से आपकी तरफ में पहुँचाएंगे। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं पोर्ट इलाके का वो नज़ारा जहाँ पर उस तरह की क्या क्यों सिचुएशन है इसके बारे में। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं पोर्ट इलाके में। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पोर्ट इलाके में, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जिस तरह से भारी मालवाहकों की वाहिनें जो है लगातार चलती आ रही हैं, ये इलाका एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐसा इलाका है जहां पर 2400 घंटे जो है वाहनों की हमेशा आवाजाही लगी रहती है। ऐसे स्थिति में जो है राज्य सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है कि जो भारी मालवाहक गाड़ियाँ हैं उनको राज्य में जो है अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है उनका आवागमन, तो ये जो मालवाहक के जो चालक है इनके ऊपर में क्या कुछ बीत रहा है इस स्थिति को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो बहला की तरफ से जो गाड़ियां आ रही थी उनको इस तरफ के रूट से जो है आगे की तरफ से छोड़ा जा रहा है, वहीं यहां से आने वाली वाहनों को जो है आगे की तरफ से छोड़ दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो सीधा रास्ता देख रहे हैं आप, ये जो सीधा रास्ता यहां से चला गया है ये सिर्फ भारी मालवाहक वाहनों के लिए लगा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है ये इलाके का, तमाम सारी बड़ी कंपनियों के जितने भी कार्गो वगैरह जहाँ इस पोर्ट इलाके में पहुँचते हैं उन सारे कार्गो को जो है भारी मालवाहकों के ट्रेलर के ऊपर में लोड करके जो है यहाँ से आगे की तरफ में भेजा जाता है। ऐसे में राज्य सरकार का जो निर्णय लिया गया है वो कितना कुछ असर करने वाला है इस स्थिति को लेकर के, आइए जानते हैं कुछ ट्रक वाहनों के साथ में। बहुत डर लगता है, हमको लगता है कहीं ब्रिज ना गिर जाए, बहुत डर से हम लोग को निकलना होता है। सर हम लोग ऐसे तो बहुत दूर झाड़ग्राम तो जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन माहौल सर ऐसे तो अभी वो पूरा जामे जाम चलता है, जाम रात पूरी सारी रात कट जाते जाम में। डर तो लगवे करता है हम लोग का भी कि जब अगर गाड़ी चढ़ाते हैं ब्रिज पर तो डर तो हम लोग का जान का ही है। ये तो करना चाहिए कि जो है ख़त्म करना चाहिए, सब कहानी बंद करना चाहिए। हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, जैसे ब्रिज गिर जा रहे हैं कहीं पर तो हम लोग डरते हैं कि हम लोग का फैमिली मतलब हम अगर हमें मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा। फिर भी मुझे जाना पड़ता है, जैसे मैं आज ये रास्ता तारा तल्ला का ब्रिज गिर गया, गिरने के बाद इधर उधर का रास्ता मतलब हम लोग का गाड़ी लाने में सुबह से शाम हो जा रहा, शाम से सुबह हो जा रहा, 7 से 11 नो एंट्री हो जा रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी कि कहीं कहीं हम लोग अभी ऐसा परेशानी है कि 5 घंटा 6 घंटा जाम में पड़े हुए रहते हैं, हैं क्या करेगा, उधर से जाने नहीं दे रहा है, इधर से पूरा एकदम पूरा जाम लगा रहता है, महसूस बहुत डर सा महसूस होता है, लगता है कहीं गिर जाएगा कहीं जान चला जाएगा।